चैनल में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब चलते हैं स्विमिंग पूल और आज स्विमिंग पूल में क्या क्या करना है वो ये है कि जो पूल लेंथ जो है एक तीन बारी तो मैं कंटिन्यूसली कर लेता हूँ, आज देखते हैं कितनी बारी करते हैं। और उसके अलावा मुझे फ्लिप जो टर्न है वो सीखना है। वाटर ट्रीडिंग की भी दो तीन चार किस्में होती हैं, एक तो आती है, एक दो और सीखनी है। तो चलते हैं, पहुँचते हैं स्विमिंग पूल। जी तो पहुंच गए हम अब स्विमिंग पूल, तो देखते हैं क्या क्या आज प्रोग्रेस होती है। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसमें बटरफ्लाई स्ट्रोक में, और थोड़ी थोड़ी वाटर ट्रीडिंग के कई तरीके हैं, उनमें से एक ही तरीका भी आ रहा है। तो और पूल लेंथ जो है काफ़ी बड़ी पूल लेंथ है, तो ये कितने राउंड होते हैं, पिछली बारी तीन हुए थे, तो अभी देखते हैं। तो स्विमिंग से वापसी के बाद अब मैं बताऊंगा कि क्या क्या मैंने प्रोग्रेस करी है। तो जो पूल लेंथ है वो तीन बार नहीं होती, अगर हम सिर्फ एक ही किस्म का स्ट्रोक रखते हैं, जैसे सिर्फ फ्री स्टाइल स्ट्रोक रखा है तो जाना और आना इतना तो मुझसे हो गया, बल्कि ऐसा तो मैंने तीन बारी भी कर लिया, मतलब पहले एक बार जाना आना, कुछ देर बाद फिर जाना आना और फिर जाना आना। जो मैंने तरक्की करी है इस बारी वो है बटरफ्लाई स्ट्रोक की। ये काफ़ी औखा मुश्किल स्ट्रोक माना जाता है, पर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, मुझे लगता है कि बेसिक बटरफ्लाई स्ट्रोक मुझे आ गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई स्ट्रोक बेसिक तो आने लगे हैं। फिर जो वाटर ट्रीडिंग है उसके अंदर मेरे को पहले एक ही स्टाइल आता था, अभी एक और सीख लिया है लगभग, तो कई तरीके से वाटर ट्रेडिंग होती है वो मुझे आया। एक जो फ्लिप टर्न है उसमें मैं पलटी खानी तो सीख गया, लेकिन जब पलटी खाते हैं और दीवार को पुश करते हैं वो अभी नहीं आया, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, शायद वो भी एक दिन आ ही जाएगा। सो ये थी स्विमिंग की जो है प्रोग्रेस। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।